हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल को स्टडी में। मैं कॉल बेस्ट इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपके यहाँ पर कराऊंगा अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, आप प्रत्यावर्ती धारा का यहाँ पर देखेंगे, जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं उनको दोस्तों आपके यहाँ पर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आराम से, आप देखिएगा दोस्तों वीडियो को, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलेगा, ताकि दोस्तों हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रथम प्राप्त हो। तो आइए शुरू करते हैं आराम से, आप देखिएगा दोस्तों एक कॉपी और पेन निकाल लेंगे, ताकि आपको जो भी फॉर्म मिलेंगे उनको आप नोट करते जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा से। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या है दोस्तों, वोल्टमीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस का विभव आपको 200 वोल्ट प्राप्त होता दिया है, तो इस विभव का वर्गमाध्य मूल मान आपको बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यदि आपको शिखर मान दिया रहता है, जो आपको पीक वैल्यू दी रहती है, तो वहाँ पर दोस्तों आपका जो वी जीरो बराबर होता है, जो आपका शिखर मान होता है दोस्तों, वो आपका होता है वी आर एम एस रूट टू, ये आप नोट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपको जो विभव मापी में दोस्तों आपका वोल्टेज होता है वो क्या होता है, विभव मापी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी वैल्यूज होती हैं, विभव मापी के द्वारा या फिर आपका अमीटर के द्वारा, विभव मापी के द्वारा दोस्तों आपका वी आर एम एस निकलता है और अमीटर के द्वारा दोस्तों आपका आई आर एम एस निकलता है। तो आप ये नोट कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन यहाँ पर रहता है कि मैं भी आपका यहाँ पर आपका वी जीरो आपको दिया है, या आपको दोस्तों वी आर एम एस ही दिया रहता है। यदि आपका विभव मापी में दिया है तो इसका मतलब आपको यहाँ पर वी आर एम एस ऑलरेडी दिया है। तो आप क्या कह देंगे दोस्तों, आपका जो वर्गमाध्य मूल मान होगा वो आपका 200 वोल्ट ही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 वाला सही हो जाएगा। वैसे यदि आपको अमीटर में दिया रहेगा दोस्तों, और वहाँ पर आपका वर्गमाध्य मूल मान आपका धारा में पूछा गया होगा, तो आई आर एम एस दोस्तों आपका वही हो जाएगा जो आपका अमीटर में पाठ्यांक होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक एमीटर का प्रत्यावर्ती परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर दिया है, तो परिपथ में धारा का शिखर मान क्या होगा। अब देखिए आपको यहाँ पर शिखर मान पूछा गया दोस्तों, अर्थात आपको आई जीरो पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको पाठ्यांक दिया है, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, आपको क्या दिया है, आई आर एम एस आपको दिया है, तो आपका आई आर एम एस गुणा रूट टू। तो यहाँ पर आपका देखिए आई आर एम एस आपका 4 हो गया, तो 4 गुणा रूट दो आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 3 वाला सही हो जाएगा। तो ये दोनों आप चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे दोस्तों दिमाग में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विशुद्ध प्रेरक के परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो आपका शक्ति गुणांक होता है दोस्तों, पावर फैक्टर होता है, वो आपका कॉस फाइव बराबर आपका होता है दोस्तों आर बट्टे जेड, जहाँ पर आर क्या है दोस्तों, प्रतिरोध है, और जेड आपकी प्रतिबाधा होती है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यदि आपको विशुद्ध प्रेरकीय कहा गया है, तो विशुद्ध का मतलब दोस्तों आपका फाई जो होगा 90 डिग्री होगा। तो यदि आप फाई को 90 रखते हैं दोस्तों, तो आपका कॉस फाई कितना हो जाएगा, कॉस फाई बराबर दोस्तों आपका हो जाएगा 0, क्योंकि आपको पता होगा कॉस 90 में आपका दोस्तों 0 मान होता है। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों, विशुद्ध प्रेरकीय परिपथ में शक्ति गुणांक क्या होता है, 0 होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 8 ओम प्रतिरोध तथा 6 ओम प्रतिबाधा का प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो परिपथ की प्रतिबाधा आपको बतानी है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, प्रतिबाधा जब आपके प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोस्तों आपके श्रेणी क्रम में है, यहाँ पर देखिए R और L आपके दोस्तों श्रेणी क्रम में है, तो यहाँ के लिए दोस्तों आपका जो प्रतिबाधा Z होती है, Z बराबर होता है अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस 1 से L का स्क्वायर। यहाँ पर दोस्तों आपका 1 से L क्या है, ये दोस्तों आपका यहाँ पर प्रेरकीय प्रतिबाधा को दिखाता है। तो इससे आपका क्या फॉर्मूला बनता है दोस्तों, यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर आपको आर क्या दिया है, आर आपको दोस्तों 8 ओम दिया है, और 6 ओम दोस्तों आपको प्रतिबाधा एक्स एल दी है। तो सिंपल आप कर देंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा, जेड बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो देखिए 8 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, आपका 64 हो गया अंडर रूट के अंदर, और प्लस आपका 6 का स्क्वायर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 36। तो दोनों को ऐड करेंगे दोस्तों, आपका अंडर रूट के अंदर आपका 100 आ जाएगा, और 100 का मान आपको बताया दोस्तों वर्गमूल क्या होगा, 100 का 10 होगा दोस्तों। तो ये आपका यहाँ पर 10 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों 2 वाला सही हो जाएगा, और प्रतिबाधा का मात्रक भी दोस्तों आपका ओम ही होता है, आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अनुनाद की स्थिति में एलसी परिपथ की आवृत्ति क्या होती है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, और बार बार आपका पूछा जाता है, तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे। इसमें पहले दोस्तों आपको यहाँ पर देखिए अनुनाद को समझना है। अनुनाद मतलब आपका दोस्तों रेजोनेंस की कंडीशन। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक विशेष कंडीशन में दोस्तों जो आपकी तरंगें होती हैं वो आपकी कुछ इस प्रकार से पीक वैल्यू बनाती हैं, अर्थात यहाँ पर देखिए दोस्तों आपकी जो प्रतिबाधा है वो आपकी 0 हो जाती है, अर्थात यहाँ पर दोस्तों आपका एक्स एल बराबर एक्स सी हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे, ये कंडीशन आप नोट कर लेंगे, क्योंकि जब आपको अनुनाद की स्थिति निकालनी है तो आप इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपकी क्या होती है, एक्स एल बराबर एक्स सी होता है इस कंडीशन में, अर्थात दोस्तों यहाँ पर देखिए जो आपकी प्रेरकीय प्रतिबाधा है और आपकी धारिता की प्रतिबाधा है दोस्तों, वो आपकी बराबर होंगी। तो इससे क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल होता है, और एक्स सी बराबर आपका होता है 1/ωc। तो यहाँ से आप निकाल लेंगे दोस्तों, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ओमेगा बराबर दोस्तों आपका 1/LC का दोस्तों अंडर रूट कर देंगे, क्योंकि ओमेगा ओमेगा आपका स्क्वायर आता है, तो आपने यहाँ पर ये निकाल लिया। अब देखिए दोस्तों, ओमेगा बराबर क्या होता है, आपका 2πf होता है दोस्तों। तो यदि आप ओमेगा बराबर 2πf रखते हैं, तो देखिए 2πf और बराबर आपका दोस्तों 1/√LC।
तो यहाँ से दोस्तों आपका जो एफ आएगा, एफ बराबर फ्रीक्वेंसी बराबर दोस्तों आपका 1/2 पाई √LC आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा दिखता है दोस्तों, आपका थर्ड वाला दिखता है, तो थर्ड वाला आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप प्रूफ करते हैं, प्रूफ करना भी आपको बता दिया, आपको बेसिकली फॉर्मूला याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक श्रेणी अनुनाद LCR परिपथ में धारिता C से 4C परिवर्तित कर दी जाती है, उतनी ही अनुनादी आवृत्ति के लिए प्रेरकत्व L को कितना परिवर्तित करना चाहिए। अभी दोस्तों हमने क्या पढ़ा था, अनुनाद की कंडीशन में XL = XC, यहाँ से आपने निकाला था F बराबर क्या क्या निकाला था दोस्तों, 1/2 पाई √LC। अब देखिए दोस्तों आपका यही कंडीशन होनी चाहिए, आपका इतना ही फ्रीक्वेंसी का मान होना चाहिए। तो यदि आपने दोस्तों C को क्या कर दिया, रिप्लेस करके आपका 4C कर दिया, तो यहाँ पर देखिए आप रख के देखिए F 1 बराबर क्या जाएगा दोस्तों, 1/2 पाई √ के अंदर L, यहाँ पर आपका 4C आ गया। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर अंदर क्या लाना है, √ के अंदर LC लाना है। तो इसके लिए दोस्तों आपको L को क्या करना पड़ेगा, L/4 करना पड़ेगा, क्योंकि आपका 4 से 4 कट जाएगा। तो इसीलिए दोस्तों आप बोल देंगे, आप प्रेरकत्व को क्या कर देंगे दोस्तों, चौथाई कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा वाला सही हो जाएगा, चौथा वाला। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक LCR परिपथ को प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत से जोड़ा गया है, अनुनाद की स्थिति में लगाए गए विभवांतर एवं प्रवाहित धारा में कलांतरा को बताना क्या होगा। कलांतर मतलब दोस्तों आपका जो फेज में डिफरेंस होता है, उसको निकालने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं दोस्तों tan phi बराबर दोस्तों आपका Z/R करते हैं। यदि आपका Z परिपथ में केवल यदि आपका दोस्तों XC होता है तो आप Z की जगह पर XC कर देते हैं, यदि आपके केवल XL होता है तो आप XL कर देते हैं, दोनों हैं तो आप Z कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों अनुनाद की कंडीशन आपको पहले से दी है, देखिए तो इस कंडीशन में आपको पता है Z बराबर क्या होता है आपका दोस्तों, 0 होता है। तो यहाँ पर आप 0 रख देंगे दोस्तों, आपका 0/R क्या हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आपका फाई क्या हो जाएगा, तो फाई क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो आप कह देंगे दोस्तों आपका जो कलांतर है, फेज डिफरेंस है, वो आपका 0 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज आपको दिया है V तथा धारा I है, तो शक्ति क्षय बताना है। या आपका VI होगा, या 1/2 VI होगा, या 1/√2 VI होगा, या V तथा यहाँ पर I होगा दोस्तों, या V तथा I के बीच का कला कोण में निर्भर करता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए आपको शक्ति का क्षय पता होना चाहिए दोस्तों, पावर लॉस आपको पता होना चाहिए। P बराबर होता है दोस्तों आपका VRMS IRMS cos φ। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको V दिया है, I दिया है, तो डिपेंड किस पर करता है दोस्तों, फाइव पर डिपेंड करता है। फाइव मतलब आपका क्या है दोस्तों, ये आपका कोण होता है कला का। तो यहाँ पर आप कह देंगे दोस्तों V तथा I के बीच का कला कोण पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, किसी ट्रांसफार्मर के लिए क्या संभव नहीं है, ट्रांसफार्मर के लिए दोस्तों क्या पॉसिबल नहीं है आपको बताना है, भंवर धारा, या दिष्ट धारा, या प्रत्यावर्ती धारा, या प्रेरित धारा। दोस्तों यहाँ पर देखिए इसके लिए संभव नहीं है दिष्ट धारा, क्योंकि दिष्ट धारा आपको पता होगा आपकी DC करंट होती है दोस्तों। DC करंट क्या होती है दोस्तों, आपकी दिष्ट धारा होती है, जो आपकी एक सीधे परिपथ में जाती है, और इस पर दोस्तों आपका ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें परिवर्तन नहीं होता धारा में, और इससे दोस्तों आपका चुंबकीय प्रेरकत्व उत्पन्न नहीं होगा, तो उस पर ट्रांसफार्मर कार्य नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर आप बोल देंगे दिष्ट धारा दोस्तों पॉसिबल नहीं है, और सभी यहाँ पर पॉसिबल होते हैं। तो ये थे दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रत्यावर्ती धारा के थे दोस्तों, बार बार आने वाले। और भी दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं इसमें, इस चैप्टर में, तो उनको भी दोस्तों आपको कराएंगे, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर टॉपिक होता है। इसमें जो आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनको भी आपको पार्ट 2 में कराएंगे। तो हमारे साथ ही बने रहेगा दोस्तों के, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।